नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखें। तो आप लोगों को सबको मेरे चैनल में बहुत स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने ना पूजा वगैरह कर लिया है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने अभी से भी वीडियो स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा चलो अपने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है, सब भगवान को भोग लगा दिया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दें। और मुझे नहाने के बाद ना मुझे बहुत ठंड लगने लगता है, तो मैंने शॉल वगैरह ले लेती हूँ और फिर यहाँ पे बस नहा के आई हूँ पूजा वगैरह करके, तो शॉल ले लिया है और चाय बिठा दी हूँ, ताकि चाय थोड़ा सा पी लेने से ना थोड़ा सा मतलब शरीर में थोड़ा सी गर्मी टाइप की आ जाएगी, तो फिर खाना बनाने, नाश्ता खाना जो भी बनेगा फटाफट बन जाएगा। तो बस मैं, और अभी ना हम लोग के घर तरफ ज़्यादा धूप भी नहीं हो रहा है, एकदम कम धूप हो रहा है दोस्तों, तो ठंड थोड़ा सा बढ़ गया है इधर। आप लोग के तरफ कैसा मौसम है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये देखिए, फिर मैंने ना यहाँ पर ये देखिए आपको दिखा दे रही हूँ पूजा वगैरह का। तो अभी तो मैंने दिखाया ही था, और मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए, आलू और बैंगन को अच्छे से भून ले रही हूँ, और भूनने के बाद टमाटर डालूँगी। तो कट वगैरह कर लिया था और दूध गर्म हो गया था, चाय बना के मैंने पी लिया है, और उसके बाद मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो ये देखिए, टमाटर भी कट कर रही हूँ, और इसमें टमाटर डालूँगी, 2-3 टमाटर डाल दूँगी। और ये देखिए, परवल मैंने भूंजा था, तो वो परवल है भून लिया था सुबह ही, तो थोड़ा सा वो था, और ये दोनों मिला के हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा था तो परवल ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो। और अभी मैं अपने बच्चे लोग का लंच में अभी पैक करूँगी, और उसके बाद नाश्ता वगैरह करूँगी। तो ये देखिए सब्जी कितनी टेस्टी दिख रही है ना, आलू बैंगन की सब्ज़ी, और बहुत ही अच्छा बना था टेस्टी बना था। तो और इसमें लहसुन वगैरह हम लोग डालते हैं ना, तो और भी टेस्टी बनता है, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं दोस्तों। फिर ना दोस्तों, मैं छत पे जा रही हूँ, तो आज इतने दिनों के बाद मैं छत पे जा रही हूँ दोस्तों, और आप लोग को भी दिखा दे रही हूँ कि, और ये देखिए छत पे थोड़ा धूप लग रहा है, नीचे में बिल्कुल भी धूप नहीं लग रहा था। और मैं ना यहाँ चावल धोई थी, चावल धो के और लेके आई हूँ छत पे, तो इसको ना मैं धूप में पसारने के लिए आई हूँ, देखते हैं कितने दिन में सूखता है। तो सूखने के लिए तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, और मेन ना मैं छत पे आते ये सब पसारने, मतलब नीचे तो बिल्कुल ही नहीं सूखेगा, ऊपर में सूख ही जाएगा, लेकिन ना ये क्या कहते हैं, छत पे मैं इसलिए आ जाती हूँ कि फिर ना अभी मैं आई हूँ छत पे पसारने के लिए, और फिर आना पड़ेगा मुझको नीचे, मतलब ले जाने के लिए भी शाम को फिर आना पड़ेगा, 2 बार आना पड़ जाता है, और फिर नहीं सूखेगा तो फिर से आना पड़ेगा, तो इस यही चक्कर हो जाता है। तो मैं ना सारे काम रात को निपटा लेती हूँ, जो भी ज़रूरी काम होता है, जैसे किचन क्लीन करना, बाकी बर्तन वर्तन सारा मांजना, और वहाँ का सारा मतलब कि गैस वो सब पोछ होछ के मैं रात को सोती हूँ, क्योंकि अभी ना ठंड का समय आ गया है, तो मतलब कि ठंड लगने लगता है, सुबह में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो फिर मैं ना बर्तन वर्तन धोने में हाथ एकदम सुन्न हो जाता है, तो पोछा तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर कुछ काम मतलब होते हैं कि बच जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हाँ मतलब हो जाता है, कम परेशानी होती है ऐसे करने से, इसीलिए मैं ना रात को ही ज़रूरी काम सारे निपटा लेती हूँ, और सुबह उठती हूँ ना तो और भी एक्स्ट्रा काम कुछ कर ही हो जाता है इसके चक्कर में, जैसे कि आज ये चावल धोना था, तो ये एक्स्ट्रा ही काम था, तो चावल मैंने
मैंने ना अभी नीचे में ना नाश्ता बना लिया था, लेकिन किया नहीं था। फिर ये सब ले जाने में छत पे पेट में दर्द हो जाता है, तो इसीलिए इतना भारी लेके चढ़ नहीं पाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने पसार दिया है, और घर में अभी कोई भी नहीं था तो मुझे ही लेके आना पड़ा। और ये देखिए मैं आके फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता करी हूँ, क्योंकि आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थकावट लगने लगता है इसीलिए। तो ये देखिए आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी एकदम गर्मा गर्म है और एकदम टेस्टी भी है, क्योंकि एकदम गरम गरम खाना ना अच्छा ही लगता है। तो रोटी मैं आके सेकी थी और ये सब सब्जी तो पहले ही से बना हुआ था दोस्तों। तो आ जाइए आप लोग भी, एकदम गर्मा गर्म खाना है। तो कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है ना? तो जो प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा रहेगा अगर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, और आ जाइए आप लोग भी, एकदम गर्म खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो। तक करने के तुरंत बाद ही मैंने फिर थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर नहीं तुरंत ही मैंने दाल चढ़ा दिया था और खाना भी बना लिया, सब्जी तो वही था, और फिर मैंने चावल बनाया और दाल बनाया। तो दाल मैं चढ़ा के ही गई थी नाश्ता करने के लिए, और थोड़ी देर के बाद फिर मैं बना रही हूँ। बनाई थी चावल, दाल और सब्जी तो वही था, और फिर मैंने सैलेड थोड़ा सा काट लिया था, खीरा। तो बस यही है सिंपल सा हमारा लंच। तो ये इनको जाना रहता है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है। तो और अभी मैं बना के दे दी हूँ, और फिर बाद में मैं भी खा ले रही हूँ। बाद में मैंने खाया बहुत, जैसे खाना खाने के टाइम में, तो फिर मैं भी खा ले रही हूँ, नहीं तो फिर ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, और इनके चलते थोड़ा जल्दी बनाना पड़ जाता है शाम को। तो फिर उसके बाद ना मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। तो ये बाल्टी मैं ना ले कर चली गई थी नीचे, और अभी शाम को आई हूँ चावल उठाने के लिए दोस्तों। तो चावल जो पसा रहा था ना सुबह में, वही चावल। तो ये देखिए, और आज तो इसके चक्कर में बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, ये देखिए। और अभी तो आज धूप था, लेकिन एक आज ना धूप अच्छा ही किया था, इसलिए मैंने धोया था। लेकिन फिर बाद में ना एकदम हल्का हल्का हो गया था धूप, और अभी शाम का टाइम है, तो अभी शाम के 4 बज गए हैं दोस्तों। तो गुड इवनिंग, और कैसे हो आप सब? तो ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पे, और देखिए अभी मेरा चावल का, मतलब मैं ईंटा लगा दी थी चारों तरफ, नहीं तो यहाँ पे एक भी चावल बचता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा कबूतर आता है। और यहाँ हम लोग छत पे भी चावल मतलब देते हैं, छीट देते हैं, तो कबूतर तो ये भी खा जाएगा, इतना सारा आता है। और उसके बाद भी इसमें से ना छेद कर करके खा चुका है वो। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाऊँगी, साड़ी उठाऊँगी तो फुलका। और बस सारा ईटा को जहाँ पे से मैं लाई थी ना, वहीं पे फिर रखना पड़ता है ईटा को, नहीं तो फिर मकान मालिक लोग ना बोलने लगते हैं, क्योंकि वो लोग मतलब कहते हैं जहाँ से लाओ वहीं पे रखो, और रखना भी चाहिए, क्योंकि ये देखिए मैं इधर इधर से ही ले ली थी, और फिर कल पसारना ही पड़ेगा, इसलिए ज़रूरत तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी रख देते हैं ईटा सारा उठा के। और देखिए मैंने सारा ईटा को रख दिया, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता है और अकेले मैं कर रही हूँ ना, इसीलिए। ये देखिए सारा कबूतर लोग देखिए खाया है, तो पूरा उस लोग का पैर का पूरा निशान बन गया था, एकदम पूरा निशान। और बस मैं चावल उठा ले रही हूँ, अभी सूखा नहीं है, अभी ना एक दिन का और धूप चाहिए ही चाहिए इसको, तो अच्छा धूप रहेगा तब तो कल एकदम अच्छा से सूख जाएगा, अगर नहीं रहा धूप तो फिर नहीं सूखेगा। और फिर मैं, मुझसे जाएगा नहीं, बहुत भारी लग रहा था, तो मैं अपने बेटे को बुलाऊँगी, या फिर इनको, मेरे हस्बैंड तो अभी है नहीं, इस टाइम नहीं रहते हैं, शाम के टाइम में नहीं रहते हैं, और रात में ही आते हैं, 6:30-7 बजे तक आते हैं कभी कभी। तो ये देखिए इसी बाल्टी में मैं रख दे रही हूँ, फिर कल लेके आना होगा ना इसीलिए, और नीचे तो जगह ही नहीं है सूखने का इसीलिए। तो बस चलिए दोस्तों, आज तो थक गई मैं बहुत ज़्यादा, छत पे आना पड़ा 2 बार इसलिए, और बस ढक्कन लगा दे रही हूँ मैं।
तो दोस्तों देखिए अभी ना 7 बज गया है और ये आए थे ना तो जलेबी लेके आए थे एकदम गरम गरम मूंग दाल का। तो ये जलेबी ना बहुत ज़्यादा कुरकुरा है और बहुत ही टेस्टी है एकदम। तो यहाँ का मतलब मशहूर होटल का है तो बहुत ही टेस्टी था। तो बस हम लोग गरम गरम है तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों एकदम, देखिए कितना अच्छा और एकदम बड़ा था, एक ही जलेबी में एकदम पेट भर जाएगा। तो चलिए जलेबी खाते खाते फिर इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ दोस्तों। तो ये लीजिए एकदम बड़ा वाला मुँह खोलिए और जलेबी एकदम मुँह मीठा कर लीजिए, गर्मा गर्म जलेबी है तो मुंह मीठा करिए और मीठे मीठे कमेंट करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं और कैसा, देखिए कितना बड़ा जलेबी है, एक बार में तो कोई खा ही नहीं सकता, इतना बड़ा है और बहुत टेस्टी भी है। और सर्दियों के मौसम में ना जलेबी या फिर ये सब खाने में बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो बस चलिए कल मिलते हैं, बाय। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। और बच्चे लोग भी खा रहे हैं, यहीं पे हैं और मैं भी खा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलिए बाय, गुड नाइट।